खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां करमपुर स्वर्गीय मेघ बरन सिंह एकेडमी करमपुर के तत्वाधान में अखिल भारतीय इनामी हॉकी प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन का पहला मैच अंबाला बनाम डीएचए बलिया के मध्य खेला गया। परिणाम स्वरूप 8-1 के बड़े अंतर से अंबाला विजय हासिल की। इस तरह दूसरा मैच एसईसी रेलवे बिलासपुर बनाम एसएमटी लालमड़ी इंटर कॉलेज करमपुर के मध्य खेला गया, जिसमें बिलासपुर की टीम 4-2 के अंतर से विजय रही। तीसरा मैच अंबुज हॉकी एकेडमी गाजीपुर बनाम शिव शंकर मिश्रा हॉकी एकेडमी बहराइच के बीच खेला गया, जिसमें गाजीपुर 2-0 से विजयी रही। चौथा मैच मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई बनाम रॉयल हॉकी एकेडमी मौधा गाजीपुर के मध्य खेला गया, जिसमें सफाई की टीम 6-0 के बड़े अंतर से विजय हासिल की। पांचवा मैच डीएचए गाजीपुर और कुशीनगर के बीच खेला गया, डीएचए गाजीपुर 6-2 से विजय हासिल की। इस तरह करमपुर फील्ड से ट्रेनिंग लिए हुए दो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो इस समय भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा हैं, ललित उपाध्याय व राजकुमार पाल, यह दोनों खिलाड़ी आज करमपुर फील्ड पर मौजूद थे और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह की ए नर्सरी आने वाले दिनों में भारतीय हॉकी टीम का बराबर हिस्सा बनती रहेगी, क्योंकि स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह ने जो नर्सरी लगाया, जमीन से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक पनपने को तैयार है। इस नर्सरी की रखवाली के लिए पूर्व सांसद भाई राधे मोहन सिंह इस नर्सरी को जी जान से आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उपस्थित रहे प्रेम शंकर सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, घनश्याम पांडे, बच्चे लाल राजभर, पंकज सिंह, प्रिंस सिंह, रामजीत सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे तथा आए हुए सभी खेल प्रेमियों तथा अतिथियों का आभार पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह ने किया। भैया अरे अरे